हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जर्नल में। एक सेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 अगस्त को जो एक सेट हुआ था उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये शिफ्ट सेकेंड है 4 अगस्त वाला, आज 5 अगस्त है, फिर हम 5 अगस्त का मेरे पे आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। ये 4 अगस्त के तीनों सेट हम अभी कर लेते हैं। एक सेट हो चुका है, सेकेंड सेट है। HDFC जो बैंक है, HDFC बैंक, उसके MD और CEO, करेंट MD और CEO कौन है? शशिधरन जगदीशन। और चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, अगस्त 1994 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है? ये है सांभर लेक। सांभर लेक है राजस्थान में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। लार्जेस्ट अगर फ्रेश वाटर लेक पूछा जाए इंडिया का तो वह है बूलर लेक, JNK में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बूलर लेक, ठीक है। पैंगोंग लेक ये इम्पोर्टेंट है, पैंगोंग सो बोलते हैं, और सो मतलब का लेक ही का अलग डेफिनेशन है सो, ठीक है। ये आपको लद्दाख में मिलेगा, तो सो मोरिरी ये सब कुछ कुछ लेक है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और फैक्ट हम लेक बारे में देख लेते हैं। एक तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक हो गया सांभर लेक, अजमेर राजस्थान में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमने देख लिया, JNK का बूलर लेक। उसके बाद एक और फैक्ट है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर, ध्यान देना, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, ठीक है ना। ये है चिल्का लेक। चिल्का लेक ये एक्चुअली इनलैंड है, ठीक है ना। सलाइन वाटर लेक है, जो चिल्का लेक उड़ीसा में है वो वाला यहाँ पे है। उसके अलावा एक और हाईएस्ट लेक इन इंडिया, ऊंचाई वाइज एल्टीट्यूड वाइज आएगा, जिसका नाम है चोलामू लेक। चोलामू लेक ये है सिक्किम में, चोलामू लेक। उसके बाद लॉन्गेस्ट लेक आपको पूछा जाए ना तो यह है बेम्बनाड लेक, सबसे लंबा लेक है। यहाँ पे बोट रेस होती है, बोट रेस बेम्बनाड लेक में। बेम्बनाड लेक एक या अष्टामुड़ी ये सब पार्ट है रामसर साइट का, ठीक है ना। उसके अलावा एक और है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर दिखेगा, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल यानी मैन मेड लेक है। इसको हम रिहान डैम के पास है, ये रिहान डैम के पास, ठीक है ना। तो सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, अब कुछ क्लियर है ना। चलिए, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये है आर्टिकल 74। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे कौन? प्रेसिडेंट, ये याद रखना। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी मिनिस्टर होते हैं ना, उनको अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं किनका? प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है ना, याद रखें। ड्यूरिंग व्हिच दिल्ली सुल्तान रूल डिड इब्न बटूटा केम टू इंडिया? देखो, इब्न बटूटा सबसे पहले समझो मोहम्मद थी, मोरक्को के थे। मोरक्को जो नदन अफ्रीका है ना, वहां पे मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी नियुक्त किया था, एज ए काजी के जो चीफ जस्टिस नहीं होते उन एज नियुक्त किया था। बाद में कुछ इशू हो जाता है इसलिए दोनों में मतभेद हो जाते हैं। और इनका अकाउंट का नाम याद है कि इब्ने बटूटा का, यह है रिहला, रिहला याद रखें। उसके अलावा कुछ और फैक्ट है कि इब्ने बतूता तो 1333 के आसपास थे। अल बिरूनी गजनबी से आए थे, गजनबी के समय में, गजनबी के साथ आए थे। एक्चुअली अल बिरूनी जो थे ना ख्वारिज्मी एम्पायर से बिलोंग करते थे, लेकिन मोहम्मद जो गजनी के राजा थे मोहम्मद गजनबी, वो गए थे तो अल बिरूनी को अपने साथ ले थे। बाद में अल बिरूनी को इंडिया भी लाया गया था, इनके साथ इंडिया आए थे गजनी। इनकी एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तहरीके जिस तारीख हिंद या किताबल हिंद नाम है अल बिरूनी की किताब के, तारीख हिंद, और या हम उसको किताबे अल हिंद भी बोलते, द बुक ऑफ इंडिया, सेम चीज़ है। सेलुकस निकोटर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सेलुकस निकोटर। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त टू के समय में। दो जो चंद फाहियान की किताब का नाम है
अकाउंट का नाम है फो क्यू की, और ऐसा बोला जाता है फाहियान की किताबों में थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई हुइच कॉजेज इज द डिजीज डाउन सिंड्रोम। तो इसका मतलब आपको ऐसे डिजीज देख लेने हैं जिसमें क्रोमोजोम से रिलेटेड कोई इशू होता है, जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 21st फ्रेम में, इसको हम ट्राइजोजोमी बोलते हैं, ठीक है ना, और ट्राइसोमी बोलते हैं 21वें नंबर पे, इससे कौन सा बीमारी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसके स्मॉल नोज, माउथ, ईयर सब छोटे छोटे हो जाते हैं, जो फिफ्थ फिंगर होता है स्लाइटली बेंड कर जाते हैं थोड़ा सा दयासन। नेक्स्ट, इंडिया हैज वोन इट्स मैक्सिमम ओलंपिक गेम्स, सबसे ज़्यादा किस में जीता है, हॉकी में जीता है। क्या प्रेसिडेंट है इंडियन हॉकी फेडरेशन के, ज्ञानेंद्रियो निंगोनवन, प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया इंडियन आईओसी के, क्या नाम है, नरेंद्र बत्रा, और प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी है थॉमस बैक। ठीक है, किसने लॉन्च किया था हरित, हरित का मतलब ग्रीन, ग्रीन पथ का बात करते हैं, पथ का मतलब होता है रोड, तो ग्रीन पथ ऐप किसने लॉन्च किया था, नितिन गडकरी जी ने, किसके द्वारा, है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। बर्धान डायनेस्टी का कैपिटल का क्या नाम था, थानेसर, स्टार्टिंग में थानेसर था और बाद में एक और जगह आपको पता है हर्ष ने क्या किया था, कन्नौज को भी कब्जा कर लिया था शशांक वगैरह को हरा के, तो वो भी हो गया था, मतलब पहले थानेसर था एक कन्नौज भी था। हर्षवर्धन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हुआन सांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, हुआन सांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, तो हुआन सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला गया था। हुआन सांग बोले थे कि दो असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक असेंबली का नाम था कन्नौज और एक का असेंबली का नाम था प्रयाग, दो इंपॉर्टेंट असेंबली है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द यूरो कप, देखिए इस डायरेक्ट करेंट अफेयर से है, ये इटली ने जीता था, रनर अप रहा था इंग्लैंड, ठीक है ना, कोपा अमेरिका 2021 कप अर्जेंटीना, तो फुटबॉल के जो जो इंपॉर्टेंट कप है ना वो आपको ध्यान में रखना होगा। बोधि सत्वा पद्म पानी पेंटिंग, सबसे पहले समझिए अजंता केव जो है महाराष्ट्र में, ये है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अलास्का और जो अजंता और एलोरा की गुफा है आस पास ही है, ठीक है ना, याद रखिए। अजंता की गुफा में सिर्फ बुद्धिस्ट से रिलेटेड बात की गई, जो भी पिक्चर है बुद्धिस्ट से रिलेटेड, लेकिन एलोरा में तीनों गो है धर्म के, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म से रिलेटेड तीनों है। तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग है जैसे डाइंग प्रिंसेस, तो एक है बोधिसत्वा पद्म पानी। देखो बोधिसत्वा कौन से होते हैं, देखो एक तो होते हैं कि त्याग कर देना, बुद्धा का मतलब होता है जो ब्लास्ट में त्याग कर देता है अपने शरीर का, ठीक है ना, जो जो होता है ना महापरिनिर्वाण को कर लेता है। लेकिन बोधिसत्वा ऐसे लोग होते हैं जो अपने महापरिनिर्वाण को डिले करता है, क्यों डिले करा है, ताकि लोगों का सेवा कर सके, ठीक है ना, तो बोधिसत्वा बहुत सारे पेंटिंग है अजंता में। व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड सन इज, देखो ये मान लो ये है सन, ये है अर्थ, ठीक है ना, तो एक समय अर्थ और सन सबसे कम दूरी पे है, एक सबसे ज्यादा दूरी पे है, सबसे कम दूरी पे है उसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन, पेरिहेलियन का मतलब होता है पास, और एक होता है अफेलियन, सबसे दूर का मतलब होता है अफेलियन, ठीक है ना, अफेलियन, ये होता है 4 जुलाई को, ठीक है। और जब सबसे पास होता है ना, आपको पता है जब से सबसे पास होता है तब वो उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, जब सबसे पास होता है तो सब स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेम टाइम में, ध्यान देना, केपलर बताता है कि अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती है, सेम एरिया, तो आपको पता है ना ए एरिया, जैसे मान लो ये एरिया और ए एरिया बराबर हुआ, ठीक है ना, ए एरिया बराबर हुआ, तो सन क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, अर्थ को यहां से यहां में ज्यादा दूर लगा, यहां से कम दूर, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों एरिया कवर करते हैं सेम टाइम में, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी कि यहाँ से यहाँ जाने स्पीड थोड़ा कम होगी, तो पेरिहेलियन के पास थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है।
अब एलियन के पास थोड़ी सन की स्पीड कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन इंडिया, 2010 में हुआ था, और जो 2022 में होने वाला है ना, बर्मिंगम में होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, वो देश है जो कभी न कभी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे, ठीक है। वर्धान डायनेस्टी रूल्ड इन हुई रीजन ऑफ इंडिया, सॉरी बर्मान। वर्धान डायनेस्टी तो आपको पता ही है ना, जो वर्मन डायनेस्टी है वो किस रीजन में रूल किया था, आसाम के कमारूप रीजन में। फाउंडर कौन थे, पुष्य वर्मन। कैपिटल क्या है, प्रग ज्योतिषपुर, और लास्ट रूलर है भास्कर वर्मन, और रूलिंग पीरियड यही है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ है करना, क्योंकि आपको जनरली बुक में ये नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये तो करेंट अफेयर्स का है। मिर्जाई और बंदी, ये टाइप ऑफ जैकेट है व्हाइट और ब्लैक कलर में, किस रीजन में, मालवा और बुंदेलखंड वाले रीजन में। एक और चीज होती है, एक सफा, सफा मतलब होता है जो टर्बन वगैरह नहीं होता है, टर्बन जो सर पे पहनते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये सिंबल है प्राइड और ऑनर का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इमर्ज फ्रॉम राजस्थान, ये बनास रिवर है, और भी ऑप्शन है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो नर्मदा कहीं और से रिलीज होता है, चंबल तो हमें पता है, ये कृष्णा भी नीचे से, राजस्थान से फिर बनास। यहीं पे एक रिवर है लूनी, जो मिल जाती है इवन सैंड में ही, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो सबसे पहले तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो एक और होता है, आपने जिप्सम का नाम सुना होगा, उसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का नाम आपने सुना हो ना, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, इसके जगह पे होता है 2H2O। तो ऐसा बोला गया कि जब जिप्सम को आप डिहाइड्रेशन में डालते हो तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि आपने 2H2O को डिहाइड्रेट किया, वाटर निकाला तो हाफ H2O बचा, ठीक है। 2020 में माइकल हुंगटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल प्राइज देना गया फिजियोलॉजी में, क्यों, क्योंकि उसने हेपेटाइटिस सी की खोज की थी। तो इसीलिए जितने इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस सेट में फिजियोलॉजी में पूछा, अगले सेट में फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, इकोनॉमिक्स पे, पीस प्राइज पूछ ले, इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम में मिला, नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में किसको मिला, लाउसे ग्लक को मिला, इकोनॉमी के फील्ड में पॉल आर को मिला, अब मिलग्रोम और रॉबर्ट आर विल्सन को मिला, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के फील्ड में ही मिला, ये सब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वेयर वॉज 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन, कहाँ पे हुआ स्नूकर जो चैम्पियन हेल्ड, कहाँ पे हुआ ये बताना आपको, इंग्लैंड में हुआ, जगह का नाम है क्रूसिबल थिएटर इंग्लैंड में, ये ध्यान रखिएगा। चैंपियन बने थे रोनी ओ सुलिवान, और चैंपियन ऑफ 2021 स्नूकर चैंपियन से मार्क सेल्बी, ये ध्यान रखिए। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो इसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन, वो निकालती है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। आप यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वगैरह मत लगा देना, ये एक्चुअली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक बॉडी है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये दो रिपोर्ट निकालती है, एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, और यही एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और भी निकालती है, मेन यही है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये थोड़ा ध्यान रखें। सिंगापुर को फर्स्ट रैंक मिला इंडिया को 121वां, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि आप MSP तो देख लेते हो, ठीक है ना, लेकिन आप ग्राउंड नट को कितना मिला ये बात थोड़ा सा टफ हो जाता है। अभी 5550 इस बार का रेट है, ठीक है, ग्राउंड नट का। व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, रीजन कौन है, चिल्का लेक, मैंने आपको बता दिया था। लार्जेस्ट इनलैंड जो सॉल्ट वाटर लेक है वो है सांबर सॉल्ट वाला। लार्ज एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक बैकाल है जो कि रशिया में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अगर इंडिया की बात करें तो वुल्लर लेक हमने देखा था। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कैस्पियन सी, ठीक है। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा क्या है, NA2CO3,
एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एच टू ओ भी होता है। विंडो के स्क्रीन को मिनिम, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी रहता है, ये भी ध्यान रखना है। विंडो के शॉर्टकट को मिनिमाइज, मतलब स्क्रीन मिनिमाइज करना है, तो आप विंडो जो वाला जो की होता है और प्लस जो डाउन एरो होता है चार में, उसको दबाओगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोरल ड्रॉ इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किस चीज का सॉफ्टवेयर ये बताना है आपको। ये एक वेक्टर ग्राफिक एडिक्टर है, ये इसको बनाया है कोरल जो कंपनी है उसने। ठीक है ना, ये भी कंप्यूटर से पूछा गया है। यंगेस्ट लोकसभा स्पीकर कौन, देखो ये ऑलमोस्ट 1998 के आसपास बने थे, तेलुगु देशम पार्टी से थे, याद रखें। और 1998 में यहाँ पे वॉज बना, और ये 1998 में तेलुगु देशम पार्टी के थे, और ये सबसे यंगेस्ट और फर्स्ट दलित लोकसभा स्पीकर थे। यंगेस्ट एमपी जो 2019 के लोकसभा में थे, चंद्रानी मुर्मू, ये याद रखना, चंद्रानी मुर्मू। ये बीजू जनता जनता दल जो पार्टी है ना, बीजू जनता दल, उस पार्टी से बिलोंग करती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं, थर्ड सेट हम जल्दी ही कवर करते हैं। और चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको पूरा चाहिए पूरा कोर्स, तो आप इन दोनों से ज्वाइन कर सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक बुक कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, और ये भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।